हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, लुईस कॉन्सेप्ट। बच्चों इससे पहले हमने आरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है हम लोगों ने डिटेल्स में देखा, फिर हमने ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट देखा, और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस ने बच्चों एसिड को कैसे डिफाइन किया, दोज स्पीसीज विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लुईस एसिड। बच्चों इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है बच्चों, आरहेनियस के अकॉर्डिंग क्या था एसिड, क्या था वो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टन के अनुसार एसिड क्या था, दो सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन, जो एच प्लस आयन को डोनेट करता है एनी सॉल्वेंट। लुईस के अनुसार एसिड क्या है बच्चों, दो स्पीसीज विच है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की होती है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों वन बाय वन इस एग्जांपल से इसको समझेंगे कि लुईस एसिड किसको कहा जाता है। तो अगर इसको क्लासिफाई करें, लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, तो इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। आर लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं बच्चों, जैसे जितने भी बोरन के जो हैलाइड्स हैं, बोरन फैमिली के जो भी हैलाइड्स हैं, जैसे बच्चों BCl3 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, BBr3 हो गया, Bi3 हो गया, बच्चों ये सब बोरन के हैलाइड्स हैं, या एल्युमिनियम के जो भी हैलाइड्स हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, इन सब की अगर आप बॉन्डिंग करोगे ना, तो ये जो सेंट्रल एटम बोरन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। चाहे इलेक्ट्रॉन आप तो जानते हो ना कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को स्टेबल होने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको ऑक्टेट रूल को फुलफिल करना चाहिए। लेकिन जब हम BCl3 की बॉन्डिंग देखते हैं, तो आप क्या देखते हो यहाँ पर, यहाँ बोरन के राउंड कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं, 2, 4, 6, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। देयरफॉर इस BCl3 की क्या टेंडेंसी होगी, इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देयरफॉर BCl3 बिहेव लाइक ए एसिड। वैसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होगी, लुईस के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। जैसे बच्चों AlCl3, ये देखो हमारा AlCl3 है बच्चों, यहाँ सेंट्रल एटम एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ओनली इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन लेस, नहीं, जो ऑक्टेट के लिए जो कंडीशन है बच्चों वो 8 इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड। क्लियर हो गया, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकेंड बच्चों, द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। बच्चों कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिसके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट होंगे तो उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। जैसे बच्चों PCl5, जैसे बच्चों SF4। अच्छा PCl5 में अगर आप देखोगे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अच्छा बच्चों इसके पास डी ऑर्बिटल है, थर्ड सेल में, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, एस पी और डी। तो यहाँ बच्चों एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में बच्चों यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका ये जो डी देख रहे हैं, डी सब सेल जो देख रहे हैं, ये डी सब सेल वैकेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह डी सब सेल खाली है, तो क्या कर सकता है, यह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ये
गेन कर सकता है। देयरफॉर दिस PCl5 बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड। ऐसे जो भी मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वह लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे PCl5 हो गया, SF4 हो गया, SF6 हो गया, या आयोडीन के जो भी कंपाउंड से IF7 हो गया, IF5 हो गया बच्चों, इसमें आयोडीन के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देयरफॉर दीज ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक ए लुईस एसिड, एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, आल्सो बिहेव लाइक ए लुईस एसिड। ठीक है बच्चों, थर्ड जो होता है मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड। बच्चों ऐसे भी मॉलिक्यूल्स लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में? डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में। जैसे बच्चों CO2, अगर आप CO2 की बॉन्डिंग अगर पढ़ोगे तो CO2 की बॉन्डिंग जो होती है बच्चों इस तरह की, कार्बन सेंट्रल एटम है और ये दोनों ऑक्सीजन है। देखो दोनों ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अच्छा आप तो जानते हो ना कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये जो CO2 है इसमें इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या चार्ज आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ जो ये सेंट्रल एटम कार्बन है बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हो गया, इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड। बच्चों यहाँ सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की टेंडेंसी क्या होती है? नेगेटिव को गेन करना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, लोन पेयर को गेन करेगा, वैसे मॉलिक्यूल्स को लुईस एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, सो इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दिस CO2 बिहेव लाइक ए लुईस एसिड। सिमिलरली बच्चों SO2 को अगर हम देखें, अगर आप SO2 की बॉन्डिंग देखोगे तो ये SO2 की बॉन्डिंग हो गई SO2। यहां भी बच्चों देखो सल्फर पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड। तो बच्चों लुईस एसिड को पहचानने का मैंने आपको अभी तीन तरीका बताया। फर्स्ट तरीका इज क्या, फर्स्ट जो आपका मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। सेकंड आपका क्या है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और थर्ड मॉलिक्यूल्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बनता हो। किसके बीच में? डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड बनता हो, जिसके कारण सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता हो, तो वैसे मॉलिक्यूल्स भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बच्चों एक और टाइप्स है, जितने भी कटाइंस हैं जैसे Na+, K+, Mg+2, Al+3, बच्चों ये कटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है। कटायन कैसे बने? इलेक्ट्रॉन को लूज करके बने हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी होती है, देयरफॉर दीज ऑल बिहेव लाइक ए लुईस एसिड। बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लुईस एसिड को अलग अलग कैटेगोरी में आप अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, और आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड आपको क्लियर हो गया होगा, दो जे स्पेसीज विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिहेव्स लाइक ए लुईस एसिड, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लुईस बेस क्या है। बेस दो जे स्पीसीज विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स
बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। बच्चों जिस भी मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होती है वैसे मॉलिक्यूल्स लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जितने भी मॉलिक्यूल जिस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे बच्चों वाटर HOH, आप इसकी बॉन्डिंग और पढ़ों जानते होंगे तो आप जानते हैं ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होगी, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। सिमिलरली बच्चों NH3, अगर आप NH3 की बॉन्डिंग करेंगे तो नाइट्रोजन पे आपको एक लोन पेयर आएगा, देयरफॉर इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। अच्छा जितने भी जैसे बच्चों एमीन है, ये हमारा प्राइमरी एमीन हो गया, ये हमारा सेकेंडरी एमीन हो गया बच्चों, ये हमारा टर्सरी एमीन हो गया, तो इन सभी में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, देयरफॉर दीज ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। क्लियर हो गया बच्चों? तो जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं, आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे कि वह लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? तो बच्चों क्लियर हो गया? अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ, क्लासीफिकेशन ऑफ लुईस बेस, तो बच्चों हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? फर्स्ट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। बच्चों जितने जिन मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है वैसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको ऊपर दिए हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं, इन सभी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर दीज ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक ए लुईस बेस, ठीक है? दूसरा बच्चों एग्जांपल क्या होगा? जितने भी अनायंस होते हैं। अच्छा बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? कटायंस जो होते हैं दे एक्ट्स एज ए लुईस एसिड, वेयर एज अनायन एक्ट्स एज ए लुईस बेस, ठीक है बच्चों? जैसे Cl- हो गया, Br- हो गया, SO4-2 हो गया, CO3-2 हो गया बच्चों, ये जितने भी अनायंस आप देख रहे हैं ये सभी हमारा लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इन अनायन कैसे बने हैं? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनायन बने हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल्स लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा बच्चों क्या बता सकते हो कि वाटर जो है अकॉर्डिंग टू लुईस वाटर का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस के अकॉर्डिंग वाटर क्या होगा बच्चों? आप वाटर का बॉन्डिंग तो जानते हो, दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों? वाटर के बॉन्डिंग में आप क्या देखते हो? ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? इट हैज़ टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, और जो भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होता है अकॉर्डिंग टू लुईस क्या होता है? वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर वाटर का नेचर कैसा होगा बच्चों? बेसिक नेचर का होगा, अकॉर्डिंग टू लुईस वाटर बिहेव्स लाइक ए लुईस बेस। क्यों बच्चों? इसका रीजन क्यों होगा? बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की है, ठीक है? इसलिए यह लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? अच्छा एक और टॉपिक बच्चों मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे ये जो वाटर का नेचर अगर आपने देखा होगा ब्रॉसनर लॉरी के अनुसार, तो वाटर का नेचर कैसा था? एम्फोटिक नेचर का था। वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि वाटर बिहेव्स लाइक ए एसिड एज वेल एज बेस। लुईस के अकॉर्डिंग वाटर का नेचर कैसा है बच्चों? बेसिक है। वैसे ही मैंने बच्चों ब्रॉसनर लॉरी के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मैंने डिफाइन किया था। वहाँ क्या हुआ था? एसिड और बेस रिएक्ट करके कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन करते थे। लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ थोड़ा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों लुईस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? एसिड रिएक्ट्स विथ बेस
टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलो जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, बी एफ थ्री प्लस एन एच थ्री इट फॉर्म्स बॉन्ड लाइक डैट। ये हमारा बच्चों कंपाउंड बना। इस बॉन्ड को बच्चों कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों अकॉर्डिंग टू लिस्ट बी एफ थ्री, अभी मैंने आपको बताया था बोरन हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए एसिड। बोरन के जितने भी हैलाइड है बच्चों इट बिहेव्स लाइक ए एसिड। उसी तरह बच्चों अभी मैंने बताया था NH3 एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए बेस। और एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एसिड और बेस जब रिएक्ट किया तो देखो ये दोनों के स्पीसीज के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों क्या होता है, ये एक तरह का शेयरिंग होता है जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वह एक ही एटम के द्वारा दिया जाता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में आप क्या पढ़े थे, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है उसमें दोनों एटम का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को बच्चों हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलरली बच्चों जैसे ये एच प्लस है और अगर इसका रिएक्शन आप अमोनिया से कराएंगे तो आप जानते हैं ना नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो क्या करेगा ये एच प्लस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, और क्या बना लेगा NH4+ बना लेगा। तो अकॉर्डिंग टू लुईस बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो कैसे डिफाइन करोगे, एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म्स ए प्रोडक्ट इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एसिड एंड बेस। यहाँ एसिड और बेस के बीच में बच्चों जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड जो बच्चों है इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने एसिड और बेस क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है लुईस का बच्चों ये किसी भी सॉल्वेंट में काम कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लुईस एक्ट्स इन एनी सॉल्वेंट, ये इसका एक ग्रेट एडवांटेज है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, तो बच्चों यहाँ पर किसी सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही थी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या था, वाटर मेरा सॉल्वेंट था। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या था, वाटर के एक्सेप्ट जो भी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में आप उसको एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ सॉल्वेंट का कहीं से कोई जिक्र नहीं है। तो लुईस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी से और ज़्यादा थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है।